हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एजुटेनमेंट हब में। तो आज के 10 डेली यूजेज इंग्लिश वर्ड। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सुनो एक काम करो। तो आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो इसका जवाब है लिसन डू वन थिंग। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। तो इसका उत्तर है समटाइम्स वी हैव टू स्पीक ए लाई। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर है You will have to listen to me। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका लॉक कैसे खुलता है। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने लिए। तो इसका उत्तर है How to open its lock। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। तो इसका उत्तर है हाउ मच मनी डू यू हैव। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, आप इस वक्त कहाँ पर हो। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। तो इसका जवाब है वेयर आर यू एट द मोमेंट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये वाला कैसा रहेगा। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। तो इसका उत्तर है हाउ अबाउट दिस वन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, आप इतनी जल्दी में क्यों हो। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर है व्हाई आर यू इन सो ए हरी। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर है ही इज सीक या फिर ही इज नॉट फाइन या फिर ही इज नॉट वेल। तो इन तीनों तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं। तो ये थे आज का हमारे डेली यूजेज इंग्लिश सेंटेंस। तो आई होप कि आप लोगों ने खुद को रैंक किया होगा और कमेंट में बताया होगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर पता है। तो ऐसे यूजफुल कॉन्टेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर करें, जिससे कि ऐसे यूजफुल कॉन्टेंट जब भी आते हैं तो आपके पास टाइम टाइम पहुँचते रहे। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।